कॉल म्यूट करके उनको गाइड कर रही थी कि ये करो, ये बोलो, अब ये बोलो, अब ये बोलो। तो 99% वो कॉल तो राखी सावंत की तरफ से ही था। दुश्मन का अंदाज़ा लगाना तो इम्पॉसिबल है, और मेरे जो दुश्मन हैं दुनिया के सबसे बड़े झूठे लोग हैं। दारू पी के वो फ़ोन करती है, कल तो सबको पता चल ही गया कि क्या सच था। ये अगर कोई चाहता है कि हमारे बीच में झगड़े हो जाएंगे, हमारा रिश्ता इतना कच्चा नहीं है आप लोगों की तरह। राशि, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली रिपोर्टर पर। राशि जी, आए दिन कभी शैली तो कभी शर्लिन चोपड़ा आपको कॉन्टेक्ट करता है, इस पर क्या कहेंगे? जैसे कि उनका कहना था, क्या एक विकेट गिर गई और दूसरी विकेट फिर से गिर जाएगी। ये ट्राई ट्राई है, ट्राई करना कुछ गलत बात नहीं है, इंसान को कोशिश करना चाहिए। अब कोशिश इनकी सही होती है गलत होती हो तो मुझ पर है कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल। क्या राखी साहब ने भी कभी आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, जैसे कि ये? डायरेक्टली नहीं किया है, पर जो कॉल आया था, अगर आपने देखा होगा कि राखी सावंत कॉल म्यूट करके उनको गाइड कर रही थी कि ये करो, ये बोलो, अब ये बोलो, अब ये बोलो, तो 99% वो कॉल तो राखी सावंत की तरफ से ही था। क्या ये लोग आपसे डर गए हैं, या ये सब केस जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे, क्या कहें? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई डर गया है, ठीक है। दुश्मन का अंदाज़ा लगाना तो इम्पॉसिबल है, और मेरे जो दुश्मन हैं दुनिया के सबसे बड़े झूठे लोग हैं। अगर कोई सच्चा होता तो चलो हम थोड़ा अंदाज़ा भी लगा लेते, झूठों का क्या भरोसा किस हद तक झूठ बोलेंगे। बिल्कुल सही बात। क्या आप शैलिन से मिलकर बात करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है। जो लोग अपना खुद का स्टैंड नहीं रखते कैमरे के लिए, वो कैमरे में दिखने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगा सकते हैं, किसी की इज्जत उछालना, कैरेक्टर पे उंगलियां उठाना, एंड कितनी गंदी गंदी बातें की उन्होंने मेरे बारे में, वो ड्रिंक करना, दारू पी के वो फ़ोन करती है, कल तो सबको पता चल ही गया कि क्या सच था। मैडम जी तो टोटली झूठ बोल रहे थे ऑन कॉल के मैंने तो बोला ही नहीं है। देखो, ये लोग हैं, इनसे क्या रिश्ता रखना और इनसे क्या मिलना और इनसे क्या बात करना, इनसे बात करने से बेटर मैं अपना काम करना पसंद करूंगी। बिल्कुल सही। जैसे कि बात करूं मैं आदि दुरानी के सपोर्ट में आकर, क्या अब ये कभी आएंगी बात करने वापस से? मुझे नहीं पता, देखिए फ्यूचर मैं नहीं जानती, बट जैसे कि मैं कह रही हूँ, मैं आदिल भी मुझे बोलेंगे या उनके साथ भी वो आना चाहेंगे, तो मेरा सिर्फ रहेगा नो मीन्स नो। बिल्कुल। शैलिन, शैलिन ने जो कॉल किया उसके कॉल के दौरान आदिल का नाम लिया है ना, उन्होंने ड्रंक कॉल का जिक्र भी किया था, तो इस पर जो आपने कहा था कि, तो इस पर क्या कहें, देखिए वो बार बार जो मैं उनको क्वेश्चन कर रही थी तो उसको मोड़ कुछ और दिया जा रहा था। जैसे कि आप सब लोगों ने सुनी है वो ऑडियो, वो बार बार मैं क्वेश्चन उनको कर रही हूँ, उन्होंने इज्जत मेरी उछाली है, झूठ उन्होंने बोला है, राइट? तो वो किसी थर्ड पर्सन का नाम लेके वो क्यों मोड़ देना चाहते थे? ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर से निकाल के किसी और के ऊपर लादने वाली चीज़ है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर कोई चाहता है कि हमारे बीच में झगड़े हो जाएंगे, हमारा रिश्ता इतना कच्चा नहीं है आप लोगों की तरह, जो बैंगन की तरह, बैंगन कभी वहाँ लुढ़क रहा है, बैंगन कभी यहाँ लुढ़क रहा है, हम बैंगन नहीं है। बिल्कुल। बात करूँ मैं आदिल से आपका रिश्ता अब, क्योंकि हमें तो पता है, आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रांग था, स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेगा। बिल्कुल। शैलिन चोपड़ा के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेंगे आप? ज़रूर, क्योंकि उन्होंने पूरे मीडिया के सामने बैठ के मेरे बारे में इतने गंदे एलिगेशंस लगाए हैं, मुझ पर एलिगेशंस लगाए, इतना झूठ बोला है, मेरी इज्जत पे उन्होंने सवाल उठाए हैं, मेरी, उनका जो मोटो था राखी सावंत के साथ मिलके मुझे बदनाम करने का, उन्होंने भी किया है। 100% मैं उनके साथ भी लीगल जाना चाहूँगी। एक आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि आदिल दुरानी आपका इस्तेमाल कर रहे हैं राखी से बदला लेने के लिए? ना ना ना, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, वो अपना लड़ रहे हैं, मैं अपना लड़ रही हूँ। तो राशि से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जीत आखिर सच्चाई की ही होगी, और जिस तरीके से आप, मुझे पता है कि पापा भी बहुत बड़े भक्त भी है, घर में तैयारी भी चल रही है, तो हमारे तरफ से तो आपको पूरी पूरी शुभकामनाएं है। क्या जाना चाहेंगे लास्ट अपने फैंस को, जो इतना प्यार आप पे बरसाने लगे हैं?
सच में थैंक यू वेरी मच, आज जनता मेरे साथ है इस वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। थैंक यू एंड सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छा। सब लोग त्यौहार एकदम मज़े से मनाएं और सब लोग सबसे बड़ी बात बाप्पा की सेवा करें, क्योंकि हम पूरा साल वेट करते हैं, साल में 10 दिन के लिए बाप्पा हमारे यहाँ आते हैं, तो हम सबको मगन होके बाप्पा की सेवा करनी है। थैंक यू वेरी मच।